हमारा दुर्गा पूजा का बजट 18 लाख रुपया है। 18 लाख ये पंडाल का कीमत है 12 लाख रुपया। डेवलप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धनबाद के झारखंड मैदान लेकर आया हूँ। यहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडाल और मेला का तैयारी चल रहा है। चलिए इस मेरे साथ बने रहिए और इस मेला का तैयारी को देखिए किस तरह से किया जा रहा है। मैं हठात यहाँ से पार हो रहा था, देखा तो हमने सोचा चलो आपको भी ये दिखा दिया जाए, आप भी मेरे साथ देखें। कौन जगह का आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और आपके जो मेले के बारे में कुछ बताएं। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान हीरापुर धनबाद। ये पंडाल कितने का आप लोग पूरा तैयारी जो है? पंडाल टोटल हमारा दुर्गा पूजा का बजट 18 लाख रुपया। 18 लाख ये पंडाल का कीमत है 12 लाख रुपया। ये क्या क्या बन रहा है इस पंडाल में इस बार? ये नाजरियन फिश फेस्टिवल एक प्रोग्राम होती है, इसी पे आधारित है। उसका नाम दिए हैं हम लोग फिश फेस्टिवल, फिश महल, फिश महल। अच्छा अच्छा, तो ये कारीगर मने यहीं से? नहीं, ये कारीगर मेदनीपुर काथी एक गांव का जगह का नाम है जी, जी। दीघा से 40 किलोमीटर पहले वहीं से सारा मिस्त्री आया हुआ है। 40 गो मिस्त्री आज 15 दिन से काम कर रही है और ये करीब 40 दिन से पहले से वहाँ अपना गांव में काम चल रहा था जी। इस पंडाल का तैयारी करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम वर्किंग प्रेसिडेंट विकास कुमार साव। अरे हमारा 2000 से दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है जी, जिसका प्रथम पुरस्कार हम लोग को 2007 में गमछा का पुरस्कार मिला था, फर्स्ट प्राइज पूरा वर्ल्ड पूरा धनबाद में। उसके बाद लगातार हम लोग 10 वर्षों से जी लगातार फर्स्ट प्राइज हुआ हम लोग। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे परिचय करके। हम तो आए थे यहाँ पर ही, ये आपका तैयारी चल रहा था उसी को दिखाने के लिए, लेकिन संयोग है कि आपसे भेंट हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना जानकारी दी उसके लिए भी धन्यवाद। और ये मेला भी आपका, मैंने ये मेला तो बाहर से ही आप लोग का? हाँ, गया का है। और आप लोग से ऑर्डर ये लोग लेने आप? हम लोग ऑर्डर करते हैं, मेला बुलाते हैं मेला को जी जी। शुरू से लग रहा है ये, हाँ 20 साल से ही लग रहा है मेला, आज करीब 22 साल से 23 साल हो गया है पूजा का जी जी। अब 25वां साल मतलब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। और हमारे जो मेला जो देख रहे हैं आप जी जी, वो गया का है। अच्छा, बिहार गया का है, वहाँ से आए हैं। और कोरोना के चलते तो 2 साल थोड़ा सा, 2 साल हम लोग इस वजह में छोटा पंडाल किए थे, बजट 3 लाख का था जी जी। 2021 2022 का, इस बार 2023 में 2022 में हम लोग 18 लाख का बजट किए और आगे चल के और भी बढ़ेगा, और बहुत बड़ा बजट करेंगे। चलिए ये दुर्गा पूजा का पूरा तैयारी चल रहा है बहुत जोर शोर से। ये पंडाल के डिजाइन बांस जितना भी है बांधा जा रहा है और ठीक इधर इसके पास में ये मेला का तैयारी किया जा रहा है। सब मेला में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। सब मेला के तैयारी में जितने भी झूला वूला लगाना ये सब कर रहे हैं। तरह से देखिए किस तरह से आप लोग तो आके डायरेक्ट मेला में झूला झूलते हैं, मगर उसके बाद इन लोग का परिश्रम जो है कितना मेहनत करते हैं ये लोग जानते हैं। हम लोग तो आते हैं झूला झूलने लगते हैं, लेकिन ये लड़के लोग की मेहनत है जितना ये लोग मेहनत करते हैं। देखिए आप डायरेक्ट झूला देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर तैयारी मेला का जो तैयारी है वो आपको दिखाया जा रहा है। देखिए पूरा जितने भी तैयारी है सब ये आप लोग तो खाली मेला को देखते होंगे, लेकिन ये इससे पहले जो मेहनत है वो बच्चा लोग का, ये लोग मेहनत जो करते हैं देखिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं आप लोग झूलते हैं, लेकिन उस लोग का मेहनत तो कोई देखता नहीं है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और इसको ये मेला जो भी हो रहा है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बस हम उतर जा रहे हैं, तुरंत उतर जा रहे हैं।
आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत दिखाना है, यूट्यूब चैनल में दिखाना है, इसलिए कि आदमी लोग तो आता झूला झूलता है लेकिन मेहनत जो है आप लोग का ये तो कोई नहीं देखता ना, तो वही चीज़ दिखाना है। YouTube चैनल विजय देव ब्लॉग्स के नाम से, विजय देव ब्लॉग्स के नाम से। हाँ हाँ वो तो हम भेंट कर लेंगे आप लोग से, अभी जब पूरा प्रोग्राम होगा तो उसमें आएंगे हम, पूरा कैमरा वैमरा के साथ आएंगे हम लोग। आज खाली हम लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग मेहनत जो करते हैं ये तो कोई देखा नहीं ना, खाली यहाँ पर ही आता सब झूला झूलने के लिए, लेकिन उससे पहले जो आप लोग मेहनत है वो वही कम से कम मेहनत देखें। इनका तो फोटो लिया हुआ है, इससे पहले कहाँ मेला लगाए थे? पटना, पटना से डायरेक्ट धनबाद आ रहे हैं ना। हाँ ये क्या ब्रेकिंग झूला ना, कौन झूला बोलते इसको, ब्रेक डांस। ये देखिए ब्रेक डांस को फिट करने वाले हमारे कारीगर, क्या नाम हुआ आपका? ये नीचे से इस तरह से रहता है ना, ये देखिए आप लोग झूला का पूरा अंदर में जो झूलते हैं ब्रेक डांस, उसका अंदर का ये पूरा दृश्य देखिए, सब तैयारी कर रहे हैं। इसका सब जितने भी सामान सब है, आपका कौन ब्रेक डांस का ही झूल आपका ये है तो? ये अलग अलग झूला क्या ब्रेक डांस का ना? ये सब इतने सामान सब, ये शायद तारा माछी का वो जो कितने बांस, एक पंडाल दुर्गा भगवान के पंडाल जो बनते हैं वो पंडाल बनाने में देखिए कितने बांस लगाया जाता है। हम लोग तो बाहर से पंडाल को देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक पंडाल बनाने में कितना बांस की ज़रूरत है, बांस बल्ली का कितना इसमें कारीगरी करना पड़ता है। ये देखिए ये सब जितना पूरे में अंदर से तो दिखा रहा हूँ,
मेला और पंडाल को आकर के डायरेक्ट देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जितने कारीगर लोग के हाथ हैं जो मेहनत करते हैं उनको कभी कोई शायद दिखाया हो या दिखाते हैं, डायरेक्ट मेला आकर के दिखाते हैं, लेकिन इससे इसमें कितने कारीगर लोग को मेहनत लगता है, खटते हैं लोग, उठना बैठना खाना पीना सब यहीं पर ही करना है जितने दिन हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहें और देखें चलें। तो मेला तो अभी मेला लगा नहीं है, लेकिन ये लोग जो मेहनत करते हैं वो दिखा रहे हैं किस तरह से लोग मेहनत करते हैं, यहीं पर ही आना जाना रहना खाना पीना जो करते हैं। अब डायरेक्ट तो हम लोग मेला देखते हैं आकर के, लेकिन इन लोग के साथ में जितना इन लोग मेहनत करते हैं वो सब तो कोई नहीं देखे हैं। इनके खाने का रहने का सब यहीं पर ही रहना खाना और ये सब को जितने भी काम कर रहे बहुत मेहनत के साथ करते हैं। इसीलिए आइए मेला का आनंद लीजिए, पैसा दे करके आराम से घूरने आइए, घर में मत रहिए। बहुत मेहनत करके इन लोग आते हैं और ऐसे भी 2 साल से तो कोरोना रोना का जो चल रहा था इस बार तो सब ठीक हो गया, इसलिए आप सभी अपने घर से निकलें और मेला ज़रूर आएँ इन लोग की मेहनत देखते हुए।